दिलीप सोनी ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं हम नहा धोवा के रेडी हो चुके हैं और कहीं निकल रहे हैं इमरजेंसी में, इसलिए कि आप लोग को भी वैसे पता होगा और वैसे तो बहुत अफसोस लग रहा है, खराब लग रहा है, लेकिन बोलना ही पड़ेगा। जो हम लोग का खुशी एक बेटी थी जो एक्सपायर कर गई और हम लोग वही अभी जा रहे हैं। कहे कि हमको पता नहीं था, लेकिन आज वो फोन करके बताए तो हम बोले कि सुबह हमको पता चला, तो इसलिए हम आज जा रहे हैं, नहीं तो हम कल ही चल जाते ना सोनी। तो ठंडा भी काफी है दोस्तों, यहाँ बहुत ज्यादा ठंडा अभी रांची में पड़ रहा है, फिर भी हम लोग बाइक में निकल रहे हैं तो थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा, धीरे धीरे हम लोग निकल जाएंगे। कहे कि मेरे पास तो कार था, कार अब है नहीं, अब तो स्कूटी खाली है मेरे पास, तो उसी में चलते हैं। तो अभी दूर है हमको, यहाँ से हमको लगता है 100 किलोमीटर दूर जाना है वो भी स्कूटी से, तो अभी हम निकल रहे हैं। कहे कि सोनी सब कोई नहीं जा रही है, हम जा रहे हैं, छोटा सा दोस्त है मेरा उसको लेके जा रहे हैं, तो उसी के साथ अभी हम लोग निकलते हैं। तो लेट बिना किए हुए निकलते हैं क्या सोनी? और सोनी भी जाएंगे बोल रही थी, लेकिन हम बोले कि अगर सोनी जाएगी तो किशन परी को जाना पड़ता है, उस सब जगह में थोड़ा सा बच्चा को लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों अभी हम निकलते हैं, अभी फोन कर दिए हो लड़का को तो अभी आ रहा है, रास्ता में से ले लेंगे उनको, क्या सोनी? काफी दूर है अभी तो पता नहीं कितना लेट लगेगा जाने में, कितना नहीं लगेगा। और एक चीज यही तो दिखता है, देखिए खुशी हो या गम हो, मतलब एक दोस्त के नाते जो जाता है ना वही सबसे बड़ा चीज होता है। और दूसरा क्या है ना कि खुशी में तो सब इनवाइट करता है, सबको जाता है, लेकिन दुखी में जो जाता है ना वही सच्चा दोस्त होता है। तो खुशी में तो हम लोग कभी जा नहीं पाए, लेकिन दुख का घड़ी में सभी को हेल्प करना चाहिए। और कुछ नहीं तो सही, आप जाके खाली वहां खड़ा रहिए, आपका फेस फिगर देख लेता है ना, तो लोग को थोड़ा सा अपना शांति मिलता है, हिम्मत मिलता है ना। तो इसीलिए हम सोचे कि कुछ तो ना ही सही, हम लोग जाके क्या कर सकते हैं, कुछ भी जो होना था तो हो ही गया, लेकिन कम से कम उस टाइम में हम उसके साथ दो पल खाली बिता के आएंगे तो अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों अभी हम निकलते हैं। क्या दोस्तों इधर देखिए सुजीत भी आ गया, तो अभी हम लोग सुजीत बाबू के साथ चलेंगे, क्या सुजीत? चलेंगे। तो इधर देखिए बैठ भी गया, तो चलिए हेलमेट लगाओ और हम लोग भी लगा लेते हैं, हम निकलते हैं भाई। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गतलसू डैम, देखिए हम लोग उसका किनारे किनारे जा रहे हैं, और ये रास्ता हम लोग नहीं गए हैं, डैम का डैम तो आए हैं, तो डैम का लास्ट तक आए हैं, लेकिन इधर नहीं आए थे। क्या सुजीत, तुम देखा है ना रास्ता? और इधर हम लोग देखे भी नहीं हैं, और इधर नेटवर्क भी काम नहीं करता है, लेकिन हम लोग जब भी गए हैं तो इधर गए हैं संजू का घर होते हुए, है ना। और इधर हम लोग जा रहे हैं पहली बार कि गतलसू डैम का किनारे किनारे, इधर हम लोग ऊपर में हैं जहाँ से गेट है ना, और आप लोग को दिखाते हैं, यहाँ पिकनिक का स्थल है ना, तो सब कोई पिकनिक के लिए यहीं आता है। देखिए अभी भी नीचे में बहुत सारा आदमी है, देखिए आप लोग को जूम करके दिखा दें, ये रहा बहुत सारा आदमी अभी भी पिकनिक मनाने इधर आया है ना। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं, आगे की ओर निकलते हैं, क्या सुजीत? तो यहाँ देख सकते हैं सब कोई इधर भरा पड़ा है, सब पिकनिक के लिए आया है इधर, है ना। और हम सोचे कि जा तो रहे हैं हम इधर, तो सब कुछ आप लोग को भी दिखाते हुए चले हम किस रास्ता से जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, है ना। तो इसी तरह हम कुछ कुछ व्यू भी आप लोग को दिखाते जा रहे हैं, ताकि लोग को भी पता चले कि हम कौन रास्ता से गए थे, अच्छा रास्ता था या गलत रास्ता पता चल जाएगा। अभी यहाँ रोड भी चालू कर दिया है, देखिए देखिए पहले हम नहीं देखे थे, इस बार देखने के लिए मिल रहा है यहाँ। तो दोस्तों अभी हम लोग चाय पीने के लिए रुके हैं, कहे कि बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, तो हम लोग सोचे कि चाय पी लिया जाए, है ना। तो ये रहा हम लोग का चाय, आ चुका है। सुजीत चाय पियो, बिस्किट खाओ, एक तो मेरे लिए भी ले लो। तो दोस्तों इधर देखिए हम बिस्किट भी एक तो खा ले रहे हैं और इधर गर्मा गर्म चाय। तो दोस्तों अभी आप हम लोग चाय पी लिए, आप यहाँ से निकला जाए क्या सुजीत? तो चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं सीके
बिक्री घाट है, शायद हम लोग उल्टा चल गए हैं, है ना। तो हम लोग को उधर से जाना था तो हम लोग इधर घुस गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये रास्ता भी जाएगा उधर ही, तो हम लोग इधर से ही चलते हैं। तो दोस्तों ये तो हम लोग को देख रहे हैं पतरातू घाटी से भी ज़्यादा खतरनाक है ये गोला वोला, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग का स्टार्ट वैसे बहुत ऊपर से आ चुके हैं और यहाँ से देखेंगे तो कितना टर्न है यहाँ, तो हम लोग शायद उल्टा चढ़ गए हैं। ये रहा देखिए, खतरनाक टाइप से घाटी है यहाँ। तो चलिए हम लोग इसी में उतरते हैं। और इधर सुजीत, सुजीत कैसा, हम लोग तो उल्टा रास्ता आ गए मैप का चक्कर में, है कि नहीं। तो चलो कोई बात नहीं। गाड़ी घूम भी नहीं पा रहा है, इतना घाटी है क्या सुजीत, अब लगता है बहुत नीचे आ गए हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ ट्रेन आ चुका है इसलिए हम लोग को रुकना पड़ेगा, है ना। यहाँ रुकते हैं फिर जैसे गेट खुलेगा निकलेंगे यहाँ से। देख रहे हैं काफी भीड़ है, देखिए। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गोला और संजू भैया सबसे अभी मिले हैं और वो सब कुछ सामान खरीदने गया है, आते हैं तब मिलवाते हैं। तो दोस्तों इधर देखिए संजू भैया भी आ चुके हैं और इधर भाभी भी देखिए आ गए हैं और लक्ष्मी भी आ गई है, क्या लक्ष्मी, वो देखिए गुस्सा आ गई है लग रहा है, रास्ता सोते हुए आई। और अभी हम गोला में आके भैया सबका वेट कर रहे थे, अभी हम लोग मिले और सबको ही हम लोग साथ में जाएंगे। और आप लोग कमेंट कर रहे थे कि संजू भैया से आप लोग मिल नहीं रहे, तो देखिए अभी हम लोग एक साथ में है और साथ में ही जा रहे हैं, है ना। हम लोग पहले ही आ जाते हैं लेकिन थोड़ा सा हम लोग का वहाँ पर घर में काम चल रहा है ना, तो वही मतलब सब चीज खाना पीना ये सब खिलाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तो वही सब में देरी हो गया है, तो सामान सीधे चलेंगे वहीं पर, सब सामान इधर हो ही गया है, तब चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं विनोद भैया का घर, विनोद भैया इधर रहे, है ना। और बाकी अभी हम और इधर संजू भी अभी आए हैं, तो हम लोग सभी मिल के यहाँ आ गए हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आए, कहे कि इस टाइम में आप लोग को तो खैर सबको पता ही है कि क्या अभी हवा है, सबको मालूम ही है, सभी को मालूम ही हो गया है। तो दोस्तों यहाँ सबसे अभी मील भी लिए हम लोग और यहाँ का माहौल तो आप देख रहे हैं। और दोस्तों हम लोग को यहाँ शाम हो गया आते आते, कहे कि 100 किलोमीटर था और हम लोग रास्ता भी नहीं देखे थे और कहीं कहीं मैप भी काम नहीं कर रहा था, रास्ता बहुत ज़्यादा दिखा रहा था, तो ही गोला में संजू भैया को लिए और उसके बाद साथ में आए। लेकिन वो सब तो यहाँ का लोकल है तो हो सकता है अभी रहेंगे वो, और हम तो जाएंगे इसलिए कि यहाँ देहात जगह भी है और ठंडा का मौसम है तो यहाँ रहना उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं है कि यहाँ और भी लोग हैं, भीड़ हमको देखेंगे कि उसको देखेंगे, इसलिए यहाँ से निकलना ही अच्छा रहेगा। तो जो भी मिलना था हम लोग मिल लिए, है ना। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कॉमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, और एक छोटा सा और रिक्वेस्ट है दोस्तों कि खुशी बेटी के लिए 2 मिनट का मौन हो सके तो सब कोई कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं।